देखें जी, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ के रिलीफ से अल्लाह को अल्लाह बचाए, ठीक है ना। वो एक आप देख रहे होंगे कि पंजाब में तस्वीर वाला थैला घूम रहा है और वो कहते हैं कि पहले तस्वीर खिंचाओ फिर थैला लो। अगर खुदा ना खास्ता डायरेक्ट किसान को खाद पहुंचाने वाली बात हो गई तो पहले तो खाद के ऊपर सोना यूरिया जो भी नाम होते हैं उसकी जगह एक तस्वीर लगी होगी, ठीक है ना, और फिर कहेंगे तस्वीर खिंचाओ और किसान जो है खाद से भी महरूम हो जाएगा। तो ये खुदा ना खास्ता ऐसी अगर चीज करने गए तो ये तो बहुत बड़ी जैसे कि चोर बाजारी और दुकान खुल जाएगी। इसके लिए भी बहुत केयरफुली हमें एक मैकेनिज्म करना पड़ेगा। दूसरी बात SIFC की मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं। SIFC जो मेरी नज़र में एक रिफाइंड वर्जन ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसका मतलब ही जो है उसके नाम से जाहिर होता है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी, ठीक है ना, कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए, सरमायाकारी लेकर आए। लेकिन SIFC ने जो पिछले दौर में जो केयर टेकर में एक अच्छी चीज़ ये की थी कि मुल्क में जो है जो स्मगलिंग हो रही थी, जो माशी बेजाबतगियाँ थी, उस पर कंट्रोल किया, डॉलर को कंट्रोल किया, जिसका 100% क्रेडिट जाता है। लेकिन अभी तक सरमायाकारी, और सरमायाकारी ये भी नहीं है कि रातों रात आ जाती है, इट टेक्स टाइम, लेकिन एक गलत एक्सपेक्टेशन क्रिएट की गई। आपको याद होगा पिछले साल के 25 अरब डॉलर कहाँ से आ रहे हैं, 25 कहाँ से आ रहे हैं, ये चीज़ें नेगेटिव होती हैं। तो अभी तक वो मटीरियलाइजेशन नहीं हुई, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई ऐसा एसेट भी नहीं है। जैसे इजिप्ट में पूरा शहर बेच दिया 35 अरब डॉलर का। जो पीपल्स पार्टी के आपने तनाजुर से बात की कि मुल्क में काम कैसे करता है सिस्टम, ECC इकोनॉमिक कमेटी जो होती है वो फैसले करती है, जिसकी तौसीक कैबिनेट करती है, और मुल्क में वो राइज हो जाता है कानून, और अगर फाइनेंस बिल से पास कराना हो तो असेंबली में जाती है। तो इस अगर आप उसमें देखें, पैरामिड में देखें, तो कहीं पे SIFC नज़र नहीं आ रही। लेकिन आज हमने देखा, बल्कि केयर टेकर गवर्नमेंट में हमने देखा कि ECC कैबिनेट फिर SIFC, इस तरह करके फैसला हो रहा था। अब क्योंकि गवर्नमेंट आ चुकी हुई है ऑफिशियली, तो ये इस तरीके से इसको या तो अमेंडमेंट करानी पड़ेगी, जिसमें पीपल्स पार्टी राइट है। और ये चीज़ हमने जो है आलमी मालियाती इदारे से भी सुनी है कि SIFC की जो इंडोर्समेंट है वो जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है कैबिनेट और असेंबली की। तो इसको जो है, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये 2/3 जो मेजॉरिटी है इससे कोई कानून साजी कर लेंगे तो बेहतर है, वरना ये एक इशू रहेगा, क्रिएट रहेगा, इशू क्रिएट होता रहेगा। लेकिन हैविंग सेड दिस, SIFC ने रेड टेपिज्म ख़त्म की है, SIFC जो है फैसले जल्दी करवा लेती है, ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी इसको कॉन्स्टिट्यूशनली कवर नहीं हासिल।